55 बरस बाद एक बहुत बड़ा भारतीय अदाकार जो लाहौर छोड़कर गया था, 55 बरस बाद वापस आने का मौका मिला। देवानंद। खोया खोया चांद, खुला आसमां, आंखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी ने नवाज शरीफ साहब से पूछा कि मैं पाकिस्तान आ रहा हूं बस पर, बस सर्विस शुरू की है, क्या लेके आऊं भारत से, आपके लिए क्या लेके आऊं। तो नवाज शरीफ साहब ने कहा कि बस आप देवनंद जी को ले आइए। चार्मिंग हीरो देवनंद भारतीय वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी के साथ बस में वागा पहुंचे। मस्ती भरी हवा जो चली, मस्ती भरी हवा जो चली, खिल खिल गई ये दिल की कली, मन की गली में है खलबली कि उनको तो बुलाओ। 56 बरस पहले 1943 में देवनंद गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से बी ऑनर्स करके बॉम्बे चले गए। उन्होंने चाहा था कि इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स करें, लेकिन उनके वालिद की माली हालत अच्छी नहीं थी। उन्हें अपना ख्वाब और उषा चोपड़ा से अफलातूनी मोहब्बत पर समझौता करना पड़ा था। हालांकि उनके बड़े भाई चेतन आनंद गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से मास्टर्स करके बॉम्बे गए थे। अपनी किताब रोमांसिंग विद लाइफ में देवनंद लिखते हैं, वाघा से पाकिस्तान दाखिल हुए तो 55 बरसों में बहुत कुछ बदल गया था, लेकिन जब उन्हें मॉल रोड पर तोप नजर आई तो वो समझ के गवर्नमेंट कॉलेज आ गया। और जब वो गवर्नमेंट कॉलेज पहुंचे तो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि उन्हें अकेला छोड़ दिया जाए। चीफ लाइब्रेरियन साहब जिनसे उन्होंने ये रिक्वेस्ट की थी कि उन्हें अकेला छोड़ दिया जाए, उस वाक़े के बारे में बताते हैं, उस मोहब्बत के बारे में बताते हैं, उस अकीदत के बारे में बताते हैं जो गवर्नमेंट कॉलेज से, इस ज़मीन से देवानंद की थी। देवानंद साहब असगर नदीम सैयद साहब के साथ गवर्नमेंट कॉलेज आए, जब वो हम गेट पे खड़े थे और वो सबसे मिले, मिलने के बाद उन्होंने कहा जी बास जी आप यहीं पे रुके, इसके बाद जो मेरा काम है मैंने अपने कॉलेज को खुद देखना है। वो वहाँ से निकले, पहले उन्होंने ओवल ग्राउंड में गए, ओवल ग्राउंड का पूरा चक्कर लगाया, देन वो मेन बिल्डिंग में आ गए, मेन बिल्डिंग से वो फिर वो कॉरिडोर चढ़े, ऊपर वाला जो ब्लॉक हमारा है जिसे हम मेन ब्लॉक कहते हैं, उसमें उन्होंने 2-3 क्लासरूम्स में गए। जाने के बाद वो कुछ देर के बाद वो वहाँ पे चक्कर लगाते रहे और ऊपर एक स्वीपर काम कर रहा था, उसने देखा कि एक आदमी जो है ना वो ऊपर रो रहा है, एक पिलर के साथ खड़ा है और रो रहा है। हमें उसने आके बताया, हम सारे गए, पता नहीं क्या हुआ है, देव साहब वहाँ पे ऊपर गए हैं, उनको क्या हो गया। हम भाग के फौरी तौर पर मैं और असगर नदीम सैयद साहब जब ऊपर आए हैं तो हमने देखा कि वो एक पिलर के साथ खड़े हैं और उनकी आंखों में आंसू हैं। तो हमने पूछा देव साहब खैरियत है, उन्होंने कहा जी ये वो जगह है जब मैं अपने क्लासरूम से निकलता था तो इसके साथ आके खड़ा हो जाता था और यहीं पे मेरी सारी गुफ्तगू और सारे दोस्तों के साथ हम यहाँ पे खड़े होके और अक्सर कोई ना कोई टॉपिक जो हमें क्लास में पढ़ाया जाता उसके ऊपर डिस्कस करते थे। ये मौसम ये रात चुप है, वो होठों की बात चुप है, खामोशी सुनाने लगी है दास्तां। ये मौसम ये रात चुप है, वो होठों की बात चुप है, खामोशी सुनाने लगी है दास्तां। नजर बन गए है दिल की जुबान, ना तुम हमें जानो। देवानंद लिखते हैं कि यादों का एक सिलसिला था जो थम नहीं रहा और इसी सुतून से लगे उन्हें अपनी पहली मोहब्बत उषा चोपड़ा दिखाई थी। वो उषा से कभी मोहब्बत का इजहार नहीं कर सके थे, वो सिर्फ झिझकते रहे, शर्माते रहे, सिर्फ हेलो कहते और जवाब में भी हेलो ही आता। अब 55 बरसों बाद उस सुतून के पास फिर उन्होंने हेलो कहा और जवाब में किसी ने आहिस्तगी से हलो कहा और फिर वो चली गई और उसकी हील की आवाज राहदारी में दूर तक सुनाई देती रही। किसका रास्ता
देखे ए दिल ए सौदाई, मिलो है खामोशी, बरसों है तन्हाई, भूली दुनिया कभी की, तुझे भी मुझे भी फिर क्यों आँख भराई, हो किसका रास्ता देखे ए दिल। ये देवानंद का क्लासरूम है, इसके बेंच वही हैं जिन पर देवानंद समेत बड़े बड़े लोग पढ़ते रहे। देवानंद जहां भी गए, गवर्नमेंट कॉलेज का ये क्लॉक टावर इनकी यादों में एक अदाए दिल रुबाई से मुस्कुराता रहा। हसन ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया यही ना समझा। हसन ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया यही ना समझा। बहुत भोला है बेचारा, न जाने किस पे आएगा, है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। ये हॉल, इस हॉल में वो अकेले फिरते रहे, फिरते रहे, घूमते रहे, देखते रहे, अपनी यादों को चेरिश करते रहे, उन यादों से सरशार होते रहे। बाहर आए, इस एम्फी थिएटर में गए जहां उन्होंने रूप धारना सीखा, जहां उन्होंने अपनी जात की नफी करके कोई किरदार करना सीखा, जहां ड्रामा सीखा। इन राहदारियों में जॉन कीट्स, शेली और लॉर्ड बायरन की नज़मों से इमेजिनेशन और एहसास जमाल को महमेज दी। विलियम शेक्सपियर से किरदार, कहानी और सिचुएशन बुनना सीखी। पहले इंडियन प्रिंसिपल गुरुदत्त सोंदी साहब पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर थे, वो उस वक्त जहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ा रहे थे, और वो शेक्सपियर के बड़े माहर थे और गवर्नमेंट कॉलेज ड्रामेटिक क्लब के वो इंचार्ज थे। और कहते हैं कि जी ये देवानंद साहब ने उनसे भी बहुत कुछ सीखा। देव साहब याद की राहगुजर पर कहीं खोए हुए थे कि गवर्नमेंट कॉलेज में संडे के दिन भी बहुत से लोग इकट्ठे हो गए और देवानंद से मिलने रावलपिंडी से उनके दोस्त हमीदुल्ला बरकी आए, जो उस जमाने में हॉकी के बेहतरीन खिलाड़ी थे। ये कॉलेज जितना आपका है उतना ही मेरा है, देवानंद ने वहां मौजूद स्टूडेंट से कहा। हम बेखुदी में तुमको पुकारे चले गए, सा गए में जिंदगी को उतारे चले गए हम। देवानंद गवर्नमेंट कॉलेज से निकलना नहीं चाहते थे, उस गार्डन में फिरना चाहते थे जहां से मीनार नजर आता है, वो उसकी एक एक ईंट, एक एक कोना देखना चाहते थे, उसकी लाइब्रेरियां देखना चाहते थे। लेकिन उन्हें एक खाने पर पहुंचना था जहां वो एक घंटा लेट हो गए। 1932 में गवर्नमेंट कॉलेज में 4 साल का कोर्स था और उन्होंने यहां से पढ़ना शुरू किया और इंग्लिश लिटरेचर में, और ये 1936 से जहां से फारग हुए। हाँ जी बिल्कुल, हमारे पास रिकॉर्ड है, ये जी गवर्नमेंट कॉलेज के पहले 50 साल की हिस्ट्री है। और इसको जब आप देखते हैं तो 1936 का जो रिकॉर्ड है उसमें उनका बकायदा जो थर्ड डिवीजन में उन्होंने बीए इंग्लिश लिटरेचर किया और ये उनका नाम लिखा हुआ जी। लाहौर से देवानंद का रिश्ता बहुत गहरा है, बहुत गहरा और बहुत मुतनव्वे। एक तो गवर्नमेंट कॉलेज जहाँ से उनकी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी बढ़ी, और फिर उषा चोपड़ा जहाँ पहली मोहब्बत की, और फिर उनकी मोहब्बत और फिल्म स्टार सुरैया, जिससे उनकी शादी ना हो सकी क्योंकि सुरैया की नानी रास्ते की दीवार बन गई।
और देवानंद अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं कि उन्होंने जो अंगूठी सुरैया को दी उसने बड़ी मोहब्बत बड़ी अकीदत बड़े हैवी हार्ट के साथ समंदर में फेंक दी। अभी अभी तो आए हो अभी अभी तो अभी अभी तो आए हो बाहर बन के छाए हो हवा जरा महक तो ले नजर जरा बहक तो ले ये शाम ढल तो ले जरा ये शाम ढल तो ले जरा ये दिल बहल तो ले जरा मैं थोड़ी देर जी तो लूं नशे के घूंट पी तो लूं नशे के घूंट पी तो लूं अभी तो कुछ कहा नहीं अभी तो कुछ सुना नहीं अभी ना जाओ छोड़ के और सबसे बढ़कर लाहौर से उनकी बीवी कल्पना कार्तिक मोना सिंह का जो पैदा तो अमृतसर में हुई थी लेकिन उनका पूरा खानदान लाहौर कृष्ण नगर में मुकीम रहा। आपका ये आंचल प्यार का ये बादल फिर हमें जमीन पे ले चला अब तो हाथ थाम लो एक नजर का जाम दो इस नए सफर का वास्ता तुम मेरे सके यारे प्यार का राग सुनो रे दिल का भंवर करे पुकार प्यार का राग सुनो प्यार का राग सुनो रे। देवानंद के लाहौर से बहुत ताल्लुक है बहुत से रिश्ते रगे जहां के बहुत से रिश्ते थे जज्बात के बहुत से रिश्ते थे अक्लो खरीद के बहुत से रिश्ते थे। कल्पना कार्तिक मसीही थी लेकिन देवानंद ने टैक्सी ड्राइवर की शूट के दौरान उनसे शादी कर ली वो भी शॉर्ट्स के दरमियानी वक्फे में। तुम हमें रोको फिर भी हम ना रुके तुम कहो काफी फिर भी ऐसे झुके कदमे नाज पे एक सजदा दा हो जाए ऐसे तो ना देखो के हमको नशा हो जाए खूबसूरसी कोई हमसे खता हो जाए ऐसे तो ना देखो। देवानंद की मोना सिंघा से शादी फिल्म इंडस्ट्री का गैर मामूली वाकया था क्योंकि देवानंद बहुत दिल फेंक चार्मिंग और सुपरहिट थे जबकि मोना दूसरी अदाकाराओं की तरह शायद लोगों के दिल की धड़कन उस तरह नहीं थी लेकिन मोना एक खालिस पंजाबी अख्तार रखने वाली घर गृहस्थी की तरफ माइल खातून थी जिन्होंने फिल्म 9-2-11 के बाद सब कुछ छोड़ छाड़ के घर संभाल लिया बच्चे पैदा किए उन्हें बड़ा किया। आखिरी बरसों में मोना सिंघा रूहानियत की तरफ ज्यादा माइल हो गई अब भी हैं उन्होंने अदाकारी तो बहुत पहले छोड़ दी थी फिर प्रोड्यूसर रही वो भी छोड़ दिया। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया आंखों ही आंखों में इशारा हो गया बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया आंखों। देवानंद के वालिद इस शादी से खुश नहीं थे उन्होंने बॉम्बे आकर एहतजाज किया और देवानंद से कभी न मिलने का कहा लेकिन देवानंद ने अपने वालिद से कहा कि वो लाहौर छोड़कर बॉम्बे में कैसे रहे अपनी तालीम पूरी न कर सके बॉम्बे में भूख काटी ठोकरें खाई दर बदर हो गए उस वक्त तो किसी ने नहीं पूछा कि वो क्या कर रहे हैं। उनके वालिद आंखों में आंसू लिए चले गए और देवानंद उन्हें रोक न सके। उसके बाद एक बार देवानंद ने अपनी बहन की शादी के लिए 30,000 रुपए भिजवाए जो उनके वालिद ने कबूल नहीं किए। कोई तो ऐसा घर होता जहां से प्यार मिल जाता वही बेगाने चेहरे हैं
जहाँ जाए जिधर जाए तेरी दुनिया में जीने से तो बेहतर है कि मर अपनी जाए। ऑटोबायोग्राफी में देवनंद ने कहीं कहीं भी अपनी अजदवाजी जिंदगी का जिक्र नहीं किया। वो बहुत प्राइवेट आदमी थे, बहुत से मामलात में गोगे बहुत रोशन ख्याल थे जो दूसरों की जिंदगी में झांकना नहीं चाहते थे, और अपनी जाती जिंदगी भी जाती ही रखते थे। पंजाबी कल्चर, पंजाबी खाने, पंजाबी जबान, पंजाबी मिजाज, पंजाबी रसूम और रिवाज में गुंधे हुए देवनंद साफर खरे आदमी थे। देखा कि ये तुम्हें हम भन के दीवाना, देखा कि ये तुम्हें हम भन के दीवाना, उतरा जो नशा तो हमने ये जाना, सारे वो जिंदगी के सारे चले गए हम। उन्होंने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में बहुत से लोगों को मुतारफ करवाया, शत्रुघ्न सिन्हा, जैकी श्रॉफ, तब्बू, जीना दवान, बहुत से लोग। जीना दवान पे तो खैर आशिक भी हो गए थे, आशिक मिजाज तो वो थे ही। वो सपने रशिया गए, वहां आशिक किया, वो हिंदुस्तान में रहे, यहाँ आशिक किए। देख हो जा भी ले जाए राहे हम संग है हो तेरे मेरे सपने अब एक रंग जीना दमान पर है। आशिक हुए, एक होटल में उन्हें अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहते थे, लेकिन रास्ते में राज कपूर आ गए। देवनंद बड़े आराम से वापस मुड़ आए। अपनी तो हर आह एक तूफान है, अपनी तो हर आह एक तूफान है, क्या करे वो जान के अनजान है, ऊपर वाला जान के अनजान है, अपनी तो हर आह एक तूफान है। 88 बरस की उम्र में भी 18 बरस के नौजवान का दिल रखते थे। 18-18 घंटे काम करते थे। फिल्म उनका ओढ़ना बिछोना था। उनके मौजूआत बहुत मुतनव्वे जिंदगी के करीब हुआ करते थे, और अपने मौजूआत पर बहुत काम भी करते थे। कहीं समंदर पार हिंदुस्तानियों के मसाइल डिस्कस हो रहे हैं, तो कहीं ब्लैक मार्केटिंग और विजन। देखिए इनकी एक फिल्म है काला बाजार, जो टिकटों की ब्लैक मार्केटिंग से शुरू होती है। देवनंद ने डायरेक्टर महबूब से रिक्वेस्ट की कि फिल्म मदर इंडिया के प्रीमियर पे उन्हें शूट करने की इजाजत दी जाए। कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो शूट यानी मदर इंडिया के प्रीमियर पे देवनंद आपको ब्लैक में टिकटें फरोख करते नजर आते हैं, और वो प्रीमियर 3 साल बाद देवनंद की फिल्म काला बाजार में नजर आता है। ये था काला बाजार का ओपनिंग सीन, और ये है देवनंद का विजन। कहीं नशे के असरात के तहत कहानी बुनते हैं, कहीं तसव्वुफ, कहीं लालच, बेनियाजी, शादीशुदा औरत से ताल्लुक और खुद को त्याग देने की कहानी। गाइड गाइड पहले अंग्रेजी जबान में बनी और फिर हिंदी में। क्या खूबसूरत म्यूजिकल फिल्म थी, शानदार एक्टिंग, क्या कहानी थी। चलो सुहाना भरम तो टूटा जाना के हुस्न क्या है, ओ चलो सुहाना भरम तो टूटा जाना के हुस्न क्या है, कहती है जिसको प्यार दुनिया क्या चीज क्या बला है, दिल ने क्या नासा बेवफा तेरे प्यार में चाह क्या क्या मिला। ये जो गीत आप सुन रहे हैं, ये सब देवनंद पे फिल्माए गए हैं। उनकी मर्जी के बगैर नहीं बन सके, उनकी मर्जी शामिल थी इसके अंदर। वो म्यूजिक सेंस रखते थे।
देवानंद पर फिल्माए गए मोहम्मद रफ़ी और हेमंत कुमार के गीत हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त अबूजर सोनू ने गाए हैं। मोहम्मद रफ़ी से बहुत अकीदत रखते हैं, आप इन्हें हमारे व्लॉग्स में देखते भी रहते हैं। मैं अक्सर सोचता हूँ कि राज कपूर की म्यूज़िक सेंस ज़्यादा एक्यूट थी या देवानंद की। मुझे कहना पड़ेगा देवानंद में गहराई ज्यादा थी। कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया, बात निकली तो हर एक देवानंद की फिल्मों पर कई व्लॉग्स बनाए जा सकते हैं, बहुत सी बातें की जा सकती हैं। बाजी, जाल, जूल थीफ, काइट, प्रेम पुजारी, लेकिन क्या करें, बाल वाला का मतमय नजर हिंदुस्तान हिजरत कर जाने वालों की इस जमीन से जो पाकिस्तान कहलाता है मोहब्बत और जुड़त है, और ऐसे ही वहां से आने वालों का अपनी जमीन से रिश्ता। ये बॉलीवुड की फिल्मों की म्यूजिक की कहानियां नहीं है, ये जमीन से रिश्ते की कहानियां हैं। ऐसा रिश्ता जो किसी सरहद, किसी कानून, किसी दस्तूर का मोहताज नहीं। यही वो रिश्ता है जो देवानंद को खींच कर लाहौर ले आया। यही वो रिश्ता है जो सुतून के साथ लगकर रोने पर मजबूर करता रहा। अपनी राय दीजिए, कमेंट कीजिए। आपकी राय, आपके कमेंट हमारे लिए बहुत मुकद्दम है।